चंद्रयान 3 की ओर पूरे देश की नजर लगी हुई थी और अब वह स्वर्णिम क्षण आ चुका है जहां चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है, जिसके चलते नागपुर स्थित रमन विज्ञान केंद्र में भारत माता की जय इन जोश भरे नारों के साथ यह क्षण मनाया गया। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की ओर पूरे भारत देश का ध्यान था। इसके बाद 6:05 पर चंद्रयान 3 अर्थात विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर हो चुकी है, जिसके बाद नागपुर स्थित रमन विज्ञान केंद्र में चंद्रयान 3 का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिस समय चंद्रमा 3 के लैंडिंग के साथ ही सभी के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। जैसे ही लैंडिंग हुई सभी ने भारत माता की जय तो जय श्री राम के साथ ही साथ गणपति बापा मोरिया के नारे भी लगाए और यह खुशी का माहौल व्यक्त किया। आनंद से झूमते गाते देश के युवाओं ने साथ ही साथ देश की जनता ने इस स्वर्णिम क्षण को बड़े ही खुशी के साथ मनाया। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली लैंडिंग चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर हो चुके हो, जिसके चलते सभी देशवासी काफी खुश है। आनंद का वातावरण पूरे देश भर में इस वक्त मौजूद है रमन साइंस केंद्र में, जहां की लैंडिंग का पूरा जो है जो हाल हवाल यहाँ दिखाया जा रहा था और चंद्रयान 3 जो कि विक्रम लैंडर है उसकी लैंडिंग के बाद काफी खुशी का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो चेयर अभी तक पूरी तरह से भरी हुई थी भारत माता की जय की उद्घोषणा के साथ और श्री रामचंद्र की उद्घोषणाओं के साथ, साथ ही साथ भारत माता की उद्घोषणाओं के साथ ये पूरा जो वातावरण है पूरा हर्षोल्लास के साथ भर चुका था। दर्शकों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद रमन साइंस केंद्र का वातावरण पूरी तरह से हर्ष में बदल चुका है। इस वक्त हमारे साथ मैडम मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि इस चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको चंद्रयान 3 की लैंडिंग? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि हम इस भारत के नागरिक हैं और इतने बड़े ऐतिहासिक पर्व के हम साक्षीदार बने हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कैसा लग रहा है चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो चुकी है। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें इस पल का बहुत इंतजार था और हम ये पल का बहुत इंतजार थे और आज ये पल देखने को मिल रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा युवाओं में काफी बड़ा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। भारत माता की जय के निरंतर नारे यहाँ लग रहे हैं। माँ भारती के इस मुकुट पर आज एक मान मुकुट आज बोल सकते हैं चढ़ चुका है, जिसके तौर पर भारत माता आज इस यश शिखर पर पहुंच चुकी है। देखिए कितनी खुशी की बात है कि वो जो लैंडर है वो लैंडर सॉफ्ट लैंड कर गया, जिसकी हम कितने सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक्चुअली 2009 से पहला मिशन, फिर 2019 में दूसरा मिशन जो किसी कारणवश फेल हो गया, लेकिन आज 4 साल के बाद उस वो जो गलतियां हुई उस गलतियों से सीख के भारतीयों ने आज अपना जो परचम है वो परचम चांद के ऊपर लहरा दिया। आप सभी का बहुत 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 अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। सो यही कहना चाहूँगा, जैसा कि अपना जो लैंडिंग की है तो वी आर वेरी प्राउड मूवमेंट ऑफ इंडिया, सो थैंक यू। पिछला मिशन थोड़ा मतलब फेल होने की वजह से इस बार थोड़ी सी ऐसे मन में अचमच की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन सक्सेसफुल रहा तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और भारत माता की जय। बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मतलब यानी एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है सर। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने आज दिखाया है कि हमारा भारत देश सबसे महान है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या संदेश यहाँ रमन साइंस केंद्र में दे रहे हैं लोग। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ये नन्हा भविष्य देश का, जिनसे हम जानेंगे कैसा लग रहा है उसको आज। कैसा लग रहा है बेटा आज चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है अपनी सतह पर, चंद्र की सतह पर, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री है। क्या तुम भी साइंटिस्ट बनना चाहोगे और साइंटिस्ट बनकर ऐसा कुछ विक्रम करना चाहोगे जो कि विक्रम लैंडिंग आज हुई है? शायद
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपने भारत देश का बहुत बड़ा गौरव हुआ है। आज पूरे दुनिया भर में हमारे देश ने अपना नाम जमाया है। इसके लिए मैं इसरो के सारे वैज्ञानिकों का हार्दिक से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा व्यक्त करती हूँ कि उन लोगों का बहुत ज़्यादा मेहनत इन लोगों ने ली है और उसका आज हम लोगों को बहुत अच्छा फल मिला है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इंडिया जो है वो अभी ऑलमोस्ट सेकेंड या थर्ड रैंक पे है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, तो बाय द पासिंग ऑफ टाइम इंडिया जो है वो फर्स्ट रैंक अचीव कर सकता है नासा को ओवरटेक करके, और मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई इस बात को लेकर। थैंक यू। Extremely happy, extremely proud. More than us, kids are super excited to see and witness it at Raman Science Center. So very happy, congratulations to all ISRO scientists and whole India. बहुत अच्छा लग रहा है। I am very happy. Finally, हमारा चंद्रयान 3 satellite South Pole पे land हो गया। I am from Kittu Bittu Vloggers. और मैं चंद्रयान 3 को देखने के excited था और मैं अपने दोस्तों को स्कूल में जाके बताओ इसके बारे में। थैंक यू। वी आर वेरी हैप्पी टू रीच अ प्लेस इन ऑन द मून व्हेन नो मैन हैज एवर रीच द साउथ पोल। हैप्पी टू बी एन इंडियन, प्राउड टू बी एन इंडियन। जब वो रशिया का हो नहीं पाया लूना 25 तब थोड़ा घबराहट हो रही थी बहुत, लेकिन फिर जब लेकिन जो चीज रशिया नहीं कर पाया वो इंडिया ने करके दिखा दिया। भारत माता की जय एंड प्राउड ऑफ टू इंडिया। दर्शकों, चंद्रयान 3 के लैंडिंग की प्रतीक्षा सभी कर रहे थे और इसी श्रेणी में यह बच्चा जिसने की कितनी सुंदर यहाँ पेंटिंग निकाली है, काफी आकर्षक ढंग से पेंटिंग निकाली है। बेटा क्या लग रहा है आपको आज चंद्रयान 3 जो है विक्रम लैंडर का लैंडिंग हो चुकी है, कैसे लग रहा है? मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और इसरो ने कोशिश की लेकिन कम बजट में कोशिश की और वो भी सक्सेसफुल हुआ है, यही बहुत मतलब मायने रखता है और बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। जब मैं ये पेंटिंग बना रहा था तब भी मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था और मुझे पहले से विश्वास था कि चंद्रयान 3 हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। सो हैट्स ऑफ टू इसरो, हैट्स ऑफ। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा नागपुर स्थित यह रमन विज्ञान केंद्र जहां की चंद्रयान 3 की लैंडिंग की प्रतीक्षा कर रहे यह दर्शक, जिन्होंने की काफी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद काफी बड़ी मात्रा में यह आनंद व्यक्त किया है। किसी ने पेंटिंग निकाली तो किसी ने जय श्री राम के नारे लगाए तो कहीं भारत माता की जय के नारे बड़ी ही उत्साह के साथ लगाए गए। तो देखते हैं आगे चलकर चंद्रयान 3 की सफलता का आनंद किस प्रकार से देश में व्यक्त किया जाता है और इसका किस प्रकार से हमें प्रॉफिट होता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मैं मनीष टेम्बरे, NBC News के लिए नागपुर।